तो भाई देखो कैडी वाली तैयारी हो चुकी है और देख ready. सकते हैं असला बारू, ये वी आर रेडी फॉर धमाका। ये देखो आराम से इतना नहीं बोलेंगे देखिए इसमें से क्या दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या था जब दादा जो देखा हूं हटा दे कछु बड़ी बोल रहा था वो तो कंडा ही हुआ था टूटो कंडा तो 20 से हैं 20 से टूटो कंडा एक काऊ कम चीज पर रखो ये सारी मूर्ति चल गई अब ये मिट्टी को पकड़ जिम में रख लो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शिव की माया शिव के खेल, आप सबका विकास बघेल फिर से एक बार अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। और आज दिवाली है, दिवाली के इस अवसर पर आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी। तो भाई देखो कैडी वाली तैयारी हो चुकी है और असला बारू, ये वी आर रेडी फॉर धमाका। ये छोटा धमाका ये छोटू है हमारा, ये छोटा। हम सबकी अब तैयारियां हो चुकी हैं, अब निकलते हैं अपने अपने घर। पूजा वूजा होने के बाद फिर ये सारे पटाखे फोड़े जाएंगे, सारे एक जगह मिलते हैं, एक जगह मिलेंगे सभी लोग। धुआं धुआं आता है, हल्का मचा देना आता है। और हम लोग बहुत सारे आपको दिखाया था बम वगैरह लेके आए हैं और पूजा करने के लिए अभी दीपक वगैरह सारी पूजा की तैयारी भी हो चुकी है और स्वीट्स वगैरह भी यहाँ पे रखी हुई है और डेकोरेशन भाई नॉर्मल ऐसे ही कर लिए घर में फिलहाल में। और दिखा दूँ ये देखो रंग तो गाइस पूजा हो चुकी है माता रानी की और अब बच्चे लोग पटाखे फोड़। हम लोग पहले दीपक लगा दें जहाँ रखने हैं हमें। भाई एक बात गलत है यार, हमारे प्रशांत के लिए तो एक पटाखे भी ना है। है भाई पटाखे ना है इसके लिए, बेचारे के लिए पटाखे ना लिए एक भी, बेचारे की उदासी देखो उदासी। चल आ जा तुझे देख एक चीज दिखा हमारे, तो भाई एक भी पटाखे नहीं है हमारा, प्रशांत मायूस हो रहा है। आज चल तो फिर स्कूटी सिखाता हूँ ऐसे तो हम चलाएंगे क्या, हम पे है ही ना। आ जा और भाई सरप्राइज देखना अभी, उसकी खुशी देखना खुशी। बात ले कितना चाहिए फिर निकाल फटा, कौन कौन सा चाहिए सब खाले फटाफट। पन्ने भर ले पन्ने देखिए व्यक्ति को, ये मायूस व्यक्ति बच्चों को कितना मायूस करता है, 8:30 बजे पटाखे देता है, 7 बजे लाग 6 बजे लाग। ये देखिए इन बच्चों को पहले तरसाया जाता है, अच्छा तरसाया जाता है, इसे कहते हैं इमोशंस को बोलते हैं। बड़ा 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 चलो जल्दी उठाओ, डर रहा तो डर रहा, इसे भी निकाल इसे आराम। बहुत मौका देवे भगने का, इतना ज्यादा लग रहा भैया ये फोड़ रहे बम। आ जाओ आ जाओ आराम से इतना नहीं बोले। ये नाजी है नाजी है, क्या हुआ पटाखे ले रहा है बेटा के, पटाखे ले लिया बेटे के। हाँ अभी ले ले यहीं पे रख ले, सब चलाने तो जाएगा खाना थोड़े ना।
आ बेटा टीवी नहीं चलाएंगे, आ जाओ ये चलाएंगे ये, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा ये देखिए क्या था ये तो डरती है इतना डर रहा है रे देख चटर पट रहा है फट जाएगा तो आंटी और चला देख हाथी चला रहा है अरे अरे पहले से कान बंद कर लिए रहा तो लो तो लो बस बूम तूने फैला दिया मैंने फैलाया ये जल्लाद है कौन चढ़ा इस पर किसने पैर मारा इस पर और गाइस बहुत बड़ी आज छोटी सी लापरवाही देखो मंदिर में ना दीपक बुझ गया और ये देखो आग लग गई पूरे मंदिर में कोई नहीं बुझाता उसे उठाओ खाली उठाओ बैठ के जला हो रही है वहां पे भाई ये देखो बहुत बच गए भाई बचा लिया प्रशांत ने बता दी क्या हुआ बेटा ये बर्फी उठाओ उसमें क्या रखा था जला क्या था तो कोई दिमागदार सो कंडा रखा कहीं नहीं काऊ कर रखा कंडा तो किसी ने जलाया भी नहीं कछु पड़ी सो रोड पे कछु रखो तो कंडा ही सो तो टूटो कंडा तो 20 देखिए इसमें से क्या दिख रहा है कहीं दिख रहा है क्या था जल्दा तो देखा तुमने हटा दो ऐसा ही है तो हिल पा दो इतना बड़ा कंडा सा कितना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा तो यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे जल्दा और कटोरिया देने ग्लास के ऊपर काबू कर रखो तो और जल्दा जाए क्या रखा था कि जला क्या है ये बताओ मेरे सब मूर्ति जल गई गणेश जी तो पूरे पिघल गए मूर्ति भी जल गई ये सारी मूर्ति जल गई कर लिए मिट्टी को पकड़ जिम में रख ले ये रख ले कितने हैं अम्मे 10,000 के तो सामान है अरे सामान माता भगवान जल गए ये देखो ये कौन से भगवान थे देखो राधा कृष्ण भगवान रह गए राधा मैया गायब हो गई नाराज होके चली गई राधा मैया और ये पिलक हटा पिलक पिघल के जाएगा ये सारा मेरा हाथ जल गया ये देख सुलगी हुई है अभी
चला मेरे अंदर कोई ना तो तब पता चलो। लाला अम्मी चांद पे बैठ जाओ तब देखेंगे। लाला मैं चांद पे बैठ जाओ तब देखेंगे। ज्यादा हो जाएगा तो वीडियो बना दे पे लोग। अब तो ज्यादा हो रहा है। ऊपर जल गया सारा ये। काम करो इधर तो कुछ जल तो नहीं रहा है देख लो अभी भी। हाँ स्टूल दे रहे हो उधर से क्या देख रहा है अभी का तो खुराक मांग लेंगे। तुम क्या कर रही हो इसे ये बात ना सुनने का नतीजा है बात ना सुनने का। इधर देख लो भैया ना पता पड़े सुलग रही हो। ये बोर्ड का तार वार सब जल गया बहुत तेज जली इसका मतलब है भाई इसका मतलब बहुत तेज जली है। दीदी अभी भी जली हुई है ये मूर्ति। तुम्हारी ऐसी शक्ल आएगी कोई बात नहीं व्लॉग में ऐसी डालूं यही डालूंगा यही यही ऐसे ही ऐसे ही। देखो वीडियो बना रहे हो ऐसे ले रहे हैं ऐसे के ऐसे एक बार कैसे कैसे अंकल भाई ये रख के बोल दिया कि कैसे अंकल देख वीडियो बनाने जा रहे हैं हंस रहे हो ना ये देख आलू की पटेमन चल चल गई पिघली हुई प्लास्टिक है पागल चिपक जाएगी। चलो सब लोग बाहर चलो सब लोग बाहर चलो सब लोग बाहर चलो बाहर चलो चलो बेटी बाबू क्या हुआ आगे लग गई गुन्नू गुन्नू पापा बेटा बेटी क्या हुआ गिर गया। लो हमारा मंदिर तो चला हमारे भगवान जी ने बोला तुम लोग हो गए मुक्त अब तुम्हें कभी पूजा नहीं करनी पड़ेगी बोला उन्होंने अब तुम लोग हमसे उद्धार हो गए आग लगी मंदिर में सारे भगवान चल दिए अब पूजा नहीं करनी पड़ेगी हम लोग मुक्त हो गए पूजा में। अब चुप भी रहो यार ये साफ सफाई करो बस जो हुआ बहुत अच्छा हुआ कुछ भी नहीं हुआ समझे ज्यादा आग लग जाती पीछे देख रहे सामान कितना सारा है सामान में होता तो बुझाने में भी हालत खराब हो जाती बुझ भी बुझती भी ना। वहाँ मंदिर था पहले वहाँ पे पता है वहाँ पे कपड़े लगते दुनिया भर की पकड़ लेती अब तक आग यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं था देख रहे हो जो हुआ छोटे में ही निपट गया अच्छा हुआ कोई बात नहीं जो होता अच्छे के लिए होता है बेटा चकलू मकलू सोनू बेचाए पता है क्या संदेश है माता रानी का माता रानी कह रही नया घर लो और हमें नई जगह पे स्थापित करो यहाँ रोज रोज इधर से उधर पूजा करते रहते मंदिर ही भगाते रहते इधर अभी वहां पे था आज ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ था मंदिर 10 ही सेकंड हुए होंगे जला दिया। देखो मेरे बेटे कोई मिठाई नहीं दे रहा है भूखा है बेटा ओ बेटू बेटू पिन्नी में है बेटू ये वाला खाओ ये वाला लो खा लो हाँ मीठा मीठा खा रहा है भाई आज ना बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया भाई जो भी हुआ अच्छा हुआ छोटा सा हुआ थोड़ी सी जगह थी और ज़्यादा कुछ नहीं ऊपर बाकी के पेपर वगैरह ऊपर भी रखे हुए थे और ऊपर भी बहुत सारे पेपर की वो झालर सी बना रखी है वो भी उसमें भी नहीं जली वो तो मैं जल्दी से तुरंत जैसे ही देखा आया पूरा जलता हुआ दोनों हाथों से पूरा मंदिर समेट के बाहर नीचे फेंक दिया मैंने थोड़ा सा हाथ जल गया है मगर जलन सी हो रही है ज़्यादा वैसा नहीं है अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है